प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। अलवे चुन भो दीदी, पिंजड़वा इतना गंदा हो, साफ नहीं कर भू। मुर्गी को का इसका पिंजरा को साफ करे दीदी? मुर्गी तो है, थोड़ी नहीं आदमी है, जरा साफ सुथरा जगह में रखे हैं। दीदी एरा साफ सफाई करके रखो दीदी, अंत रोग धर ले तो तब कल अंडा नहीं देता है, तब फायदा ना रखल हुआ दीदी, तब बढ़िया से रखो साफ सफाई तो ने जल्दी अंडा दे तो जल्दी बड़ा होवा है। अच्छा दीदी, कैसे रखेंगे मुर्गी को कि ये थी, और कैसे साफ करके रखेंगे मुर्गी को? चलिए दीदी हम दिखाते हैं कैसे पिंजरा रखते हैं, कैसे मुर्गी का रख रखाव करते हैं। हाँ दीदी ठीक है, चलिए चलिए। चलिए दीदी अब अपना अपना परिचय करवा लेते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम मंजुला है, ग्राम सारिलचक जिला नालंदा से हूँ, प्रगति जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, क्रांति जीविका ग्राम संगठन की सचिव हूँ। सभी भैया दीदी को प्रणाम, मेरा नाम चंचला देवी है, मैं बड़गांव के रहने वाली हूँ, मैं माँ अम्बे स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ, शांति भी का सदस्य हूँ। देखिए दीदी नया पिंजरा मिला, इसको मुर्गी लाने से पहले कैसे तैयार करते हैं? अच्छा दीदी आप ये सब क्या रखे हैं सामान? गोबर है, पानी, मिट्टी और ये निवारी रखे हुए हैं। हाँ दीदी हम आपको बताते हैं। देखिए दीदी ये है सामान, इसको इस पुआल है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये गोबर है। पिंजरा को, नया पिंजरा को तैयार करने में इतना चीज का जरूरत लगता है। अच्छा दीदी इस सामान को हम लगाएंगे कैसे? देखिए दीदी ये तीनों सतह हम पहले पुआल बिछाएंगे। देखिए दीदी तीनों खान में हम पुआल बिछा दिए, अब इसको गोबर और मिट्टी को मिलाकर इस पर लेप चढ़ाएंगे। देखिए दीदी आइए देखिए, इस ये गोबर है, ये मिट्टी है, इसको किस तरह से मिलाते हैं? इसको मिलाकर इसमें इसको मिला लिए इस ढंग से, गोबर मिट्टी इस पर लेप चढ़ाएंगे इस ढंग से। देखिए दीदी अब इसको गोबर आप पुआल गोबर मिट्टी का लेप तैयार कर दें, अब ये तैयार हो गया। ओ ऐसे तैयार करना है दीदी? हाँ दीदी ऐसे तैयार करना है। हाँ दीदी पुआल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? अगर पुआल नहीं मिल रहा है दीदी तब अथी जूट के बोरा लगा सके हैं, जूट के बोरा दे के गोबर मिट्टी से लेप चढ़ाते थे। अच्छा अच्छा दीदी अब इसको हम रखेंगे कहाँ? इसको पहले सुखाएंगे उसके बाद हम बताते हैं कहाँ रखेंगे। देखिए दीदी पिंजरा सूख रहा है, तब तक ये जगह जमीन साफ सुथरा कर लेते हैं, मकड़ी का जाल साफ सफाई कर देते हैं। इसको साफ क्यों करते हैं दीदी? इसको साफ करने से रोग नहीं होता है दीदी। मुर्गी तो पिंजरा में रहेगा लेकिन जगह आसपास गंदगी है, इसके कारण रोग फैलेगा, तो इसको साफ करना जरूरी नहीं दीदी। अच्छा ऊपर में टांगे हुए सभी सामान को साफ कर देंगे दीदी, इसको साफ कर देना है, साफ सफाई ठीक कर देना है। देखिए दीदी अब इसको झाड़ू से नीचे भी साफ कर देंगे इस ढंग से।
अब दीदी इसको गोबर मिट्टी से लेप करके जमीन को लेप कर देते हैं। हाँ दीदी, पहले पिंजरा को गोबर से नीपे, अब जमीन को गोबर से नीप रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? ये ना गोबर ना दीदी एंटीसेप्टिक है, इसको करने से जितना भी बीमारी का जीवाणु है सब खत्म हो जाता है, इससे रोग नहीं होता, इसलिए गोबर से नीपते हैं। ये किस चीज का छिड़काव कर रहे हैं दीदी? ये चूना है दीदी, इससे छिड़कने जीवाणु और कीटाणु सब नाश अथी खत्म हो जाता है, बचे खुचे नमी के जगह जो है ना सब ये अथी कर देता है, इससे सब कीटाणु नाश हो जाता है। देखिए दीदी, अब नीचे साफ सफाई कर दिए, चूना का छिड़काव कर दिए, ऊपर भी साफ सफाई कर दिए, अब सूखा हुआ पिंजरा ला के इस पर रखेंगे इस जगह को। चलिए दीदी, चलिए लाने। रखिए दीदी, रखिए। इसमें भी चूना का छिड़काव होगा दीदी? हाँ दीदी, अब तीनों खान में चूना का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद साफ सफाई बर्तन इसको खाना के लिए और एक पानी के लिए इसमें रख देते हैं। तीनों सतह में अच्छे से सब चूना को फैला दीजिएगा। अब साफ बर्तन इसमें एक खाने के लिए रख देना है, एक पानी के लिए साफ रखना, इसमें एगो खाना खाइए पानी पिए। देखिए दीदी, सब मुर्गी के ला कर रख दिए, अब इसको पानी, इसमें गुड़ और हल्का दही दही दे करके इसको पानी का घोल पिलाएंगे। आधा घंटा तक इसको पानी ही देंगे, उसके बाद इसको दाना या खुदी जो है जो खिलाना है जो देंगे। दीदी पिंजरा को रख रखाव के लिए कुछ बातें जरूरी है, जैसे कि सोने वाले घर से 5 मीटर दूर पिंजरा को रखना चाहिए। दूसरा बात दीदी कि जहाँ पिंजरा है वो आस पास पालतू जानवर नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात दीदी कि बीमार व्यक्ति इसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का बीमारी मुर्गी में भी फैल सकती है। चौथा बात कि डेली इसको 10 घंटा इसको खुले में चरना चाहिए। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा चीज़ सिखाया, आपसे मैं भी ऐसे ही मुर्गी की देखभाल करूँगी।